बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम फ्रेजल वर्ब का एक और ग्रुप देखते हैं जो कि वर्ब पुट के साथ बनते हैं। पुट के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगा के फ्रेजल वर्ब बनाते हैं और उनको समझते हैं। तो ये वीडियो आप कम्प्लीट देखिए, इंशाल्लाह आपको इसके जो कंसेप्ट हैं मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। देखें, पुट अवे सबसे पहले है, पुट अवे। तो पुट अवे का मतलब है कोई चीज़ मुस्तकबिल के लिए बचा के रखना, यानी बचत करना, बचत करना। ठीक है, पुट अवे यानी अलग से, किसी अवे का मतलब दूर होता है ना, यानी अलग से कोई चीज़ बचा के रख लेना। तो पुट अवे का मतलब हो गया बचत करना या अलग से कोई चीज़ बचा के रखना, बचत करना, टू सेव समथिंग, बचत करना। ठीक है, तो सेंटेंस हम सिंपली इसका बना सकते हैं, पुट अवे समथिंग फॉर योर फ्यूचर, पुट अवे समथिंग फॉर द रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है मुश्किल वक्त। ठीक है, तो पुट अवे समथिंग, पुट अवे समथिंग फॉर द रेनी डे। तो मुश्किल वक्त के लिए कोई चीज़ बचा के रख लो, मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रख लो, तो रेनी डे के लिए या फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। तो पुट अवे समथिंग फॉर योर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा के रख लो, कुछ बचत करके कर लो। तो पुट अवे का मतलब हो गया अलग रखना, किसी चीज़ को अलग करके रखना यानी बचत करना। तो टू सेव समथिंग। उसके बाद देखें पुट अप विथ, पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना। ठीक है, बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, बेयर करना, बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त करना, पुट अप विथ। तो आई कांट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, आई कांट पुट अप विथ, आई कांट पुट अप विथ ये रेनी डे, पुट अप विथ दिस इंसल्ट। तो मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुट अप विथ का मतलब हो गया बर्दाश्त करना। और अगर अकेला पुट अप हो, ये भी आगे आएगा, अकेला पुट अप हो तो पुट अप का मतलब होगा पेश करना किसी चीज़ को, वो उसका सेंटेंस हम आगे चल के देखते हैं। तो आई कांट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को, इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके बाद देखिए पुट ऑन, बहुत सिंपल है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पहनना। तो कोई भी चीज़ पहनना, पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन योर कोट एंड गो अलोंग विद मी, अलोंग विद मी, अपना कोट पहनो और मेरे साथ चलो। पुट ऑन योर कोट एंड गो अलोंग विद मी, अपना कोट पहनो और मेरे साथ है चलो। पुट ऑन का मतलब पहनना। तो ही पुट ऑन हिज शूज़, कोई भी कपड़े पहनना, जूते पहनना वगैरह। उसके बाद देखिए पुट बैक, पुट बैक यानी पुट बैक का मतलब है रुकावटें डालना, पुट बैक का मतलब है रुकावटें डालना, ये पीछे। वैसे इसका मतलब लफ्जी तर्जमा तो बनता है कि पीछे हटाना, पीछे करना। ठीक है ना, पुट बैक का मतलब पीछे हटाना, इसका मतलब रुकावटें डालना है। रुकावटें डालने का मतलब भी पीछे हटाना ही होता है, किसी को पीछे करना, रुकावटें डालना। तो पुट बैक का मतलब हो गया रुकावटें डालना, रुकावटें डालना। तो ही इज़ ट्राइंग टू पुट बैक
ही इज ट्राइंग टू पुट बैक माई ही इज ट्राइंग टू पुट बैक माई बिजनेस, तो वो मेरे कारोबार में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेरे काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, पुट बैक माई बिजनेस रुकावटें, वो मेरे काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट हिंड्रेंसेज, हिंड्रेंसेज भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टिकल्स भी रुकावटें होती हैं, तो ही इज़ ट्राइंग टू पुट बैक माई बिजनेस, वो मेरे कारोबार में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। तो ही इज़ क्रिएटिंग, इसका मतलब ही इज़ क्रिएटिंग हिंड्रेंसेज इन द वे ऑफ माई बिजनेस, वो मेरे कारोबार के रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। हिंड्रेंसेज या ऑब्स्टिकल्स, ये सारे अल्फाज के लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो है पुट बैक। तो पुट बैक का मतलब हो गया रुकावटें डालना। उसके बाद देखिए पुट आउट, पुट आउट अक्सर हम यूज़ करते हैं, वैसे इसका मतलब होता है बुझाना किसी चीज़ को, बुझा देना किसी चीज़ को, यानी कोई मोमबत्ती वगैरह, कैंडल वगैरह या किसी लाइट वगैरह को बुझा, ऑफ कर देना, ठीक है, बुझा देना। तो काइंडली पुट आउट, काइंडली पुट आउट द लैम्प, कोई भी सेंटेंस, काइंडली पुट आउट द लैम्प, मेहरबानी करके चिराग को बुझा दीजिए, तो मेहरबानी करके चिराग को बुझा दीजिए, काइंडली पुट आउट द लैम्प, मेहरबानी करके चिराग को पुट आउट कर दीजिए, बुझा दीजिए, ठीक है, उसको ऑफ कर दीजिए। तो टर्न ऑफ और टर्न ऑन हमने देखा है, टर्न ऑफ करना इसका मतलब है बुझा देना, तो चिराग को बुझा दीजिए। तो आगे है पुट ऑफ, ये था हमने लिखा है पुट आउट का, आगे पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, टाल मटोल करना, टालना, ठीक है। तो ही पुट मी ऑफ विद अ प्रोमिस, उसने मुझे वादे के साथ टाल दिया, वादा करके उसने मुझे टाल दिया। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत डालो, आज का काम कल पर मत छोड़ो। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो, मत कल पर डालो, ठीक है। या ही पुट मी ऑफ विद अ प्रोमिस, उसने मुझे वादा करके टाल दिया। तो कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ही, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ही पुट मी ऑफ, पुट मी ऑफ विद अ प्रोमिस, प्रोमिस, उसने वादा करके मुझे टाल दिया, ठीक है, उसने वादा करके मुझे टाल दिया। वक्ती तौर पर किसी को टाल देना, उसने वादा करके मुझे टाल दिया। तो पुट ऑफ का मतलब हो गया ही पुट मी ऑफ, पुट ऑफ का मतलब हो गया टालना, किसी को टाल देना। पुट आउट का मतलब बुझाना था, पुट ऑफ का मतलब टालना। आगे हो गया पुट अप, ऊपर मैंने आपको बताया था कि पुट अप विद का मतलब है बर्दाश्त करना, अब पुट अप का मतलब हो गया पेश करना, यानी कोई चीज़ जमा वगैरह करवाना। तो पुट अप का देखिए इसका मतलब हो गया पेश करना, पेश करना। इसके ऊपर पुट ऑफ का मतलब था टालना, और इससे ऊपर जो था ये पुट आउट का मतलब बुझाना, ठीक है, अब पेश करना है इसका मतलब, ठीक है। आइल पुट अप, आइल पुट अप दिस केस, दिस केस इन द मीटिंग, इन द मीटिंग, इन द मीटिंग, मैं मीटिंग में ये मामला जो है वो पुट अप करूँगा, तो मैं मीटिंग में ये काम मामला पेश करूँगा। या आई विल पुट अप माई असाइनमेंट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में अपनी असाइनमेंट जमा कराऊँगा। आई विल पुट अप माई डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस, तो इसके लिए पुट अप, मैं इस केस को पुट अप करूँगा, यानी केस जो है वो मीटिंग के सामने पेश करूँगा। या जमा करवाना, इसका मतलब यानी असाइनमेंट वगैरह जमा करवाना या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाना के लिए पुट अप का जो फ्रेजल वर्ब है ये यूज़ होता है। तो इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है सर अंजाम देना, पुट इन का मतलब होता है सर अंजाम देना, किसी काम को सर अंजाम देना, यानी कोई काम करना, पुट इन का मतलब सर अंजाम देना, सर अंजाम
अंजाम देना कोई काम करना, ठीक है। तो काइंडली पुट इन योर वर्क, काइंडली पुट इन योर वर्क, पुट इन योर वर्क, मेहरबानी करके अपना काम सर अंजाम दीजिए, मेहरबानी करके अपना काम सर अंजाम दीजिए, ठीक है। आसान, बिल्कुल आसान सा जुमला है। तो पुट इन का मतलब हो गया सर अंजाम देना। तो इसके लिए हम और भी कोई बहुत सारे सेंटेंसेस इसके लिए बन सकते हैं, हम कोई भी सेंटेंस जो है वो इसके लिए बना सकते हैं। तो काइंडली पुट इन योर वर्क, मेहरबानी करके अपने काम को सर अंजाम दीजिए। तो आई एम टेकिंग दिस लीव टू पुट इन माई वर्क, ठीक है। मैं ये छुट्टी अपना काम सर अंजाम देने के लिए ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। तो इसी तरह से पुट असाइड, अब हमने ऊपर एक देखा है पुट अवे, ठीक है, और नीचे है पुट असाइड। इसका मतलब भी एक तरफ रखना किसी चीज़, यानी बचत करना, पसे अंदाज करना, यानी एक तरफ किसी चीज़ को रख लेना, पसे अंदाज करना। इसका मतलब भी बचत करना भी है, और तवज्जो ना देना भी है। पसे अंदाज करना या तवज्जो ना देना। तो एक तो हम इसका सेंटेंस बिल्कुल ऊपर वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। वो बन जाएगा पुट असाइड समथिंग फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे फॉर द रेनी डे या फ्यूचर कोई भी हम लिख सकते हैं। तो नीचे भी हम इसी को बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पुट असाइड समथिंग फॉर द रेनी डे, यानी मुश्किल वक्त के लिए कोई चीज़ बचा के, बचत करके रख लो। या इसका मतलब पसे अंदाज करना या तवज्जो ना देना। तो तवज्जो ना देना, ही पुट असाइड माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया तवज्जो ना देना, उसने मेरी रिक्वेस्ट को जो है पसे अंदाज कर दिया, यानी मेरी रिक्वेस्ट पर तवज्जो नहीं दी उसने, मेरी इल्तजा पर मेरी दरख्वास्त पर जो है वो तवज्जो नहीं दी, मेरी दरख्वास्त को एक तरफ यानी उसने फेंक दिया। या हम जमा कोई चीज़ बचत करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़, या वी शुड पुट असाइड समथिंग फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ बचत जो है वो करनी चाहिए। ये दोनों में तवज्जो ना देना या मुस्तकबिल के लिए कुछ चीज़ जमा करना, ये इन मानों में आ जाता है। तो आगे है पुट डाउन, इसका मतलब कुचल डालना, ठीक है। पुट डाउन इसका मतलब है कुचल डालना। द रेबेलियन आपको पता है कि बगावत होती है। द रेबेलियन वाज रेलेंटलेसली पुट डाउन, बगावत को बेरहमी के साथ कुचल डाला गया, पुट डाउन का मतलब है कुचल डालना, क्रश कर देना, ठीक है। पुट डाउन का मतलब है कुचल डालना, मतलब है क्रश कर देना, दबा देना वगैरह है। तो इन मानों में ये आ जाता है पुट डाउन, कुचल डालना। या इसका मतलब है कुचल डालना के अलावा, इसका मतलब है पुट डाउन का मतलब है दबा देना भी है, ठीक है। दबा देना या कुचल डालना, दोनों माने इसके जो मुस्तामिल हैं, दोनों माने इसके चलते हैं। यानी पुट डाउन का मतलब है कुचल डालना, ये जो पुट डाउन, कुचल डालना या दबा देना या कुचल डालना, क्रश कर देना, कुचल डालना। तो इसके मतलब कायदे आजम ने भी ये अल्फाज कहे थे ना, वी मस्ट पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड, यानी जो ब्लैक मार्केटिंग करप्शन वगैरह के मतलब कायदे आजम का जो फरमान है, तो उसमें है कि वी मस्ट पुट दीज ईवल्स डाउन विद एन आयरन हैंड, तो हमें इनको आनी हाथों के साथ कुचल डालना चाहिए। तो एक दफ़ा हम नज़र डाल लेते हैं, जो हमने आज फ्रेजल वर्ड्स पढ़े हैं वो देखिए। पहले हमने देखा है पुट अवे, इसका मतलब है बचत करना, ठीक है।
पुट अवे समथिंग फॉर द रेनी डे, अपने अपना जो मुश्किल वक्त है उसके लिए कुछ बचा के रख लो। उसके बाद पुट अप विद, बर्दाश्त करना। आई कॉन्ट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस तोहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कॉन्ट पुट अप विद दिस पेन, मैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी आप सेंटेंस जो है वो जो आपको ईजी लगे वो बना सकते हैं। तो उसके बाद है पुट ऑन, पहनना। तो पुट ऑन योर कोट एंड गो अलॉन्ग विद मी, अपना कोट पहनो और मेरे साथ चलो। या कोई चीज़ और, पुट ऑन योर शूज़ एंड गो अलॉन्ग विद मी, अपने जूते पहनो और मेरे साथ चलो। कोई भी सेंटेंस आप जो आपको ईजी लगे वो बना सकते हैं। उसके बाद है पुट बैक, रुकावटें डालना, किसी को पीछे धकेलने की कोशिश करना, तो इसका मतलब हो गया रुकावटें डालना। तो ही इज़ ट्राइंग टू पुट बैक माई बिजनेस, वो मेरे कारोबार में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो रुकावटें डालना इसका मतलब हो गया। उसके बाद है पुट आउट, बुझाना। काइंडली पुट आउट द लैम्प, मेहरबानी करके लैम्प को बुझा दीजिए, चिराग को बुझा दीजिए, बुझा देना किसी चीज़ को। एक्सटिंग्विश का वर्ड आपने सुना होगा कभी, अगर एक्सटिंग्विश का मतलब भी बुझाना होता है, किसी चिराग को या आग वगैरह को बुझा देना। पुट आउट द फायर, प्लीज़ पुट आउट द फायर, मेहरबानी करके आग को बुझा दें। तो लैंप या कोई फायर वगैरह का आप जिक्र कर सकते हैं। तो आगे है पुट ऑफ का मतलब है टालना। तो ही पुट मी ऑफ विथ अ प्रॉमिस, उसने वादा करके मुझे टाल दिया। उसके बाद देखें, उसके बाद है पुट अप, पुट अप का मतलब है पेश करना। आई विल पुट अप दिस केस इन द मीटिंग, मैं मीटिंग में ये केस पेश करूँगा, या कोई चीज़ जमा वगैरह करवाना। आई विल पुट अप माई डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस वगैरह, इस तरह के कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद पुट इन, तो इसका मतलब है सर अंजाम देना। काइंडली पुट इन योर वर्क, मेहरबानी करके अपना काम सर अंजाम दें। कोई भी काम सर अंजाम देना, काम करना जो है वो पुट इन है। उसके बाद है पुट असाइड, पसे अंदाज करना या तवज्जो ना देना। ही पुट असाइड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट पर तवज्जो ना दी। या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में, वी शुड पुट असाइड समथिंग फॉर द रेनी डे, या वी शुड पुट असाइड समथिंग फॉर आवर फ्यूचर। तो इस तरीके से पुट असाइड का। तो पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब कुचल डालना या दबा देना। द रेबेलियन वॉज, द रेबेलियन वॉज रिलेंटलेसली पुट डाउन, तो जो बगावत थी उसको बेरहमी के साथ कुचल डाला गया। तो ये हमारे पास सेंटेंसेज हैं। तो मेरा, मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा लेसन आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।